नमस्कार दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897, स्वर्गवास 18 अगस्त 1945। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की 1938 और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लैक का गठन किया, अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस की नेताजी भी बुलाया जाता है। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आजादी में योगदान का ज्यादा श्रेय महात्मा गांधी और नेहरू को दिया जाता है, मगर सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी किसी से कम नहीं था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रख्यात वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी सती और धार्मिक महिला थी। प्रभावती देवी और जानकीनाथ जी की 14 संतानें थी, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनमें से 9वें स्थान पर थे। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और स्नातक में भी वे प्रथम आए थे। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुनायक थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी की के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने 4था स्थान भी हासिल किया। वे जालियांवाला बाग के नरसंहार के बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बहुत जल्द ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए एक साल का वक्त दिया गया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वही सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। सन 1930 के सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी जी डरविन फैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी डरविन फैक्ट का विरोध किया
और सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वो खुश नहीं थे। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब एक साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वे भारत आए और परिणामत उन्होंने एक साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, फिर भी 203 मतों से सुभाष चंद्र चुनाव जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडराने लगे थे और सुभाष ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष ने इस रवैये का विरोध गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य लोग ने भी किया, जिसके कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा, इसीलिए उन्हें कोलकाता में कैद कर नजरबंद रखा गया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली धारणा के मद्देनजर उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1914 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वे जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आजाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आजाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर किया गया था। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। अब आजाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आजाद किया। आजाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर आ धमकी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी को हार के साथ आजाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उसका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास सबसे बड़ा संशय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता, नमस्कार।